भोपाल में मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें ताजिए और सवारियां शामिल है। जुलूस की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यातायात को डायवर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुहर्रम के मौके पर परंपरागत जुलूस निकाला जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत में जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में सैकड़ों ताजिए बुराक सवारियां शामिल है। जुलूस की शुरुआत तिरंगा लहराकर की गई। जुलूस शहर के कई क्षेत्रों में होता हुआ वीआईपी रोड स्थित करबला पहुंचेगा। मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की ओर से निकाले जाने वाले इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। आवागमन में आमजन को असुविधा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध है। पहला मातमी जुलूस फतेहगढ़ से शुरू होकर मोती मस्जिद चौराहे होते हुए करबला पहुंचेगा। इसके अलावा चार अन्य बड़े जुलूस अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए पीर गेट पहुंचेंगे। डाइवर्ट किया ट्रैफिक। मुहर्रम जुलूस को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। डाइवर्ट ट्रैफिक के अनुसार राजा भोज एयरपोर्ट की ओर से जाने वाले प्रभात चौराहा, जेके रोड, रत्नागिरी अयोध्या बाईपास मार्ग, भानपुर करौंद चौराहा, नई जेल, गांधीनगर तिराहा होकर आ जा सकेंगे। नए शहर से भोपाल रेलवे स्टेशन की ओर जाने के लिए प्रभात चौराहा, परिहार चौराहा, 80 फीट रोड, बजरिया तिराहा होकर आवागमन कर सकेंगे। भारत टॉकीज, अल्पना निराहा, नादरा बस स्टैंड, भोपाल टॉकीज, रॉयल मार्केट, कोहे फिजा, करबला पर सभी प्रकार के वाहनों का ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इसलिए मनाया जाता है मुहर्रम यह महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने में से इस्लाम का नया साल शुरू होगा। लगभग 1400 वर्ष पहले इसी दिन इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन का कत्ल किया गया था। इसी घटना की याद में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन ताजिए निकालना, मातम मनाना और करबला पर इकट्ठा होकर याद ए हुसैन में आंसू बहाए जाते हैं।